अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग? खैरियत से हैं। ग्राउंड रियल्टर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूं। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने जा रही है। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए 4.5 मरला ब्रांड न्यू डबल स्टोरी घर ले आए हूँ। व्यूअर्स, इस घर के जो ख़ास बातें वीडियो के स्टार्ट में मैं बता दूँ ताकि आपको इस घर के वर्थ का आइडिया हो। व्यूअर्स, सबसे पहले तो लोकेशन है घर की, बड़ी कमाल की लोकेशन है। थोड़ी देर में वीडियो आपको लोकेशन बताऊँगा। माशाल्लाह गली का साइज़ आप देखें, बड़े साइज़ की गली है। और उसके अलावा इस घर को डबल यूनिट डबल स्टोरी में डिज़ाइन किया गया है। घर की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और फर्दर उसके साथ साथ जो है व्यूअर्स, घर की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आएँ तो काइंडली हमारे चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरे ऑनलाइन फैमिली को पहुँच सकें। बढ़ते हैं जी घर की कम्प्लीट डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले जी लोकेशन की बात करेंगे। मैं जो इतना आपके लिए चलाऊँ वो इसलिए चलाऊँ व्यूवर्स, जैसे ये स्ट्रीट ख़त्म होगी लेफ्ट साइड पे करके बिल्कुल पास ही यहाँ पे मेन मिस्रियाल रोड है। तो ये रावलपिंडी के काफ़ी मशहूर इलाके में जो है ये मकान मौजूद है। मिस्रियाल रोड, यहाँ पे जो आर्मी यूनिट है वो भी काफ़ी करीब है, तो जो लोग मिस्रियाल रोड से वाकिफ़ हैं उनको इस लोकेशन का काफ़ी बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो चुका होगा। अच्छा जी, घर की तरफ चलेंगे। मैं कोशिश करूँगा, घर चूँकि 4.5 मरला डबल स्टोरी है और घर में काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज़ यूज़ की गई हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ। सबसे पहले आप माशाल्लाह फ्रंट एलिवेशन देखेंगे तो ये फ्रंट एलिवेशन को बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड पर ब्लैक एंड गोल्ड स्टोन यूज़ किए गए हैं। सामने करके यहाँ पर ब्लैक कलर का मेटल गेट वर्क है जिसमें वर्साशे की ब्रांडिंग है, और दो तरह के जो कलर्स हैं वो घर के एलिवेशन में यूज़ किए गए हैं। ये एक बंद गली का मकान है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि यहाँ पे आपके जो घर फैमिली है वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे वॉक वगैरह कर सकती है, किसी किस्म की प्राइवेसी का इशू नहीं होने जा रहा। टफ़ टाइल का यूज़ किया गया है रैंप पे। अभी मैं आप लोगों को घर के इनसाइड लेके चलूँगा। ये घर की मेन कार पार्किंग स्पेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल मार्बल का यूज़ किया गया है, लेकिन जब मार्बल है वो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में है। कार पार्किंग स्पेस में आप देखेंगे इजीली बड़ी गाड़ी पार्क हो सकती है या छोटी गाड़ी आप पार्क कर लें, और साथ में जो बाइक्स वगैरह वो भी इजीली पार्क हो सकते हैं। ये 4.5 मरले के प्लॉट पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, जबकि घर का जो लेआउट है वो बाकी घरों से काफ़ी मुख्तलिफ है। वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह मैं प्राइस वगैरह और बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, प्रॉपर एक डबल यूनिट हाउस है। स्टेज जो है ये घर के फर्स्ट फ्लोर के एक्सेस देगी। डबल यूनिट घर परचेज़ करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इन फ्यूचर में आप इसको इजीली रेंट आउट कर सकते हैं, जिससे आपके रेंटल इनकम आ जाएगी। मेहमान आते हैं घर में जी, उनके लिए प्रॉपर एक पाउडर वॉशरूम भी मौजूद है जो कि प्रॉपर फंक्शनल है। लेफ्ट साइड पर करके यहाँ भी इंडियन कमोड है, सामने करके मेन जो बेसन एरिया है और मुकम्मल टाइल वर्क जो है वो वॉशरूम में इंस्टॉल्ड है। अच्छे व्यूअर्स, लेआउट के हिसाब से सामने बिल्कुल ग्रैंड एंट्रेंस है और राइट साइड पे करके यहाँ पे ड्राइंग रूम की एक्सेस है। मैं थोड़ा ज़रा डिफरेंट तरीके से आज की वीडियो स्टार्ट लूँगा, हम सबसे पहले ड्राइंग रूम में ही आ जाते हैं। अच्छा, ड्राइंग रूम जैसे ही आएंगे तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग रूम का मुकम्मल व्यू दिखाऊँगा। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह ये मुकम्मल ड्राइंग रूम है। आप देखें कि मुकम्मल फ्लोरिंग पे यहाँ पे मार्बल की फ्लोरिंग है। सामने ये इसकी फीचर्ड वॉल है। फीचर्ड वॉल पे आप देखेंगे वॉलपेपर का यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर है। सीलिंग बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी नायाब सीलिंग है। इसमें लाइट का यूज़ किया गया है। मुकम्मल घर का जो कलर है वो लाइट से कलर है, और जितने दरवाज़ों का काम है दरवाज़ों की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा जी, मज़े की बात यह है कि ड्राइंग रूम में सामने करके एक खूबसूरत यहाँ पे कर्टन्स इंस्टॉल्ड है, जो कि सामने जो वेंटिलेशन पर्पज़ विंडो है उसके साथ इन्होंने अटैच किए हुए। अच्छा जी, ड्राइंग रूम एक प्रॉपर एक ओपन ड्राइंग रूम है। आप लोग इसमें टेम्परेरी पार्टीशन भी इस तरीके से कर सकते हैं, या अगर आप लोगों ने इसमें डोर एक इसको परमानेंट करना है तो यहाँ पे आप लोग प्रॉपर एक डोर वगैरह जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वक्त मैं करंटली जिस जगह खड़ा हूँ वो इस घर का मेन टीवी लाउंज स्पेस है। व्यूअर्स, मैं एक चीज़ बताऊँ, यकीन जाने ये है तो वैसे 4.5 मरले का प्लॉट है, लेकिन दिख ऐसे रहा जिस वक्त कहीं आपको इस 7-8 मरले मकान पर आ गए। सामने माशाल्लाह आप ये देखिए व्यूअर्स, मीडिया वॉल की स्पेस देखिए, कितने कोई खूबसूरत तरीके से, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इसको मैनेज किया हुआ है। मेन एलईडी पॉइंट है, उसके बैक में वॉलपेपर है। यहाँ पे मुकम्मल डेकोर वगैरह इन्होंने सेट किया हुआ है, जो कि बड़ी एक अच्छी फीलिंग दे रहा है, बड़ी वार्म फीलिंग दे रहा है। अच्छा, सीलिंग अगर आप देखेंगे तो टीवी लाउंज की सीलिंग बहुत ही अच्छी है, बड़ी डिटेल में है। फ़ैन वगैरह यूज़ किए गए हैं, शैंडेलियर है बीच में, और सामने करके मेन यहाँ पर आपको ओपन किचन है। इस ओपन किचन के हवाले से मैं आपको बताऊँ, ये इसके लोअर मॉड्यूल्स हैं। आप देखेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्रोम के हैंडल्स हैं, इसके शीट्स काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं। जेट ब्लैक कलर में यहाँ पे सिंगल स्लैब का काउंटर टॉप दिया गया है। सामने करके मेन बेसन एरिया है, ऊपर ये इसका अपर मॉड्यूल है। आप देख सकते हैं मुकम्मल हाई ग्लॉस शीट्स यूज़ की गई हैं। ये सामने करके रेंज हुड की स्पेस है, उससे नीचे बर्नर की स्पेस है।
यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये आपके जो स्लाइडिंग वार्डरोब्स हैं वो दी गई हैं, और वेंटिलेशन पर्पज़ विंडो जो है वो भी इस किचन में है। अच्छा, लेआउट के हिसाब से व्यूअर्स, दो बेडरूम इस ग्राउंड फ्लोर में मौजूद हैं। राइट साइड पे करके बेडरूम फर्स्ट है और लेफ्ट साइड पे जो है सेकंड बेडरूम है। बेडरूम फर्स्ट में आपको दिखा देता हूँ, ये बेडरूम फर्स्ट है, तो आप मुकम्मल इसका व्यू देख लें। छोटा बच्चा सो रहा है तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बात नहीं करूँगा, बच्चे की नींद ना ख़राब हो। बाकी नियॉन लाइट यूज़ की गई है, सामने वार्डरोब की स्पेस है, और ये रहा इसका मेन OTS की स्पेस। ये OTS की स्पेस है जिसके ज़रिए से घर को रोशन हवादार रखा गया है, और इसी के साथ ये कंबाइन वॉशरूम है जो कि दोनों बेडरूम्स को जो है वो फैसिलिटेट करेगा। अच्छा जी, बेडरूम सेकंड की तरफ मैं जाता हूँ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो राइट साइड पे करके ये बेडरूम सेकंड की स्पेस है। यहाँ पे कुछ इस वक्त फैमिली है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन जैसे कि आपने बेडरूम फर्स्ट देखा, सेम उसी तरीके से जो है बेडरूम सेकेंड को डिज़ाइन किया गया। ठीक, अब मैं आप लोगों को व्यूअर्स घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ लेके चलूँगा। असल में फैमिली थी तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। ये फर्स्ट फ्लोर का एक्सेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जेड मार्बल के स्टेप्स दिए गए हैं, ब्लैक कलर में यहाँ पे स्कर्टिंग है। अच्छा, कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, जैसे कि आप देखेंगे स्ट्रेट से अगर आप आएंगे तो यूँ खूबसूरत यहाँ पे फीचर्ड वॉल डिज़ाइन की गई हैं, इसमें भी वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। घर के हम फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं व्यूअर्स, ये सबसे पहले यहाँ पर मेन ओपन गैलरी है। ये ओपन गैलरी में आप जो है अपना स्पेयर टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिली के साथ, यहाँ बैठ के आप लोगों ने चाय वगैरह पीनी है तो ये ओपन गैलरी जो है वो भी मौजूद है, जहाँ से आपको स्ट्रीट का व्यू मिलेगा। और माशाल्लाह मौसम भी आज बहुत खूबसूरत है, तो आप ख़ुद इमेजिन करें यहाँ अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो किस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिलने जा रहा है। अच्छा, लेआउट के हिसाब से अगेन मुकम्मल फर्स्ट फ्लोर का लेआउट सेम है, ग्राउंड फ्लोर जैसे ही इसको फॉलो किया गया। लेआउट से मैं एक चीज़ आपको बताऊं, इस घर का जो नक्शा है वो अप्रूव्ड है डबल स्टोरी का रावलपिंडी कैंट बोर्ड से, जो कि इसकी प्रॉपर्टी में काफ़ी वर्थ ऐड करेगा। सामने करके जी ड्राइंग रूम की स्पेस है, ये आप मुकम्मल ड्राइंग रूम देख लें, मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा, वीडियो को आप शॉर्ट रखेंगे चूँकि ऑलरेडी इस तरह का लेआउट हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जस्ट आप एक दफ़ा इसका मुकम्मल व्यू ले लें। इसी तरीके से हम जब आएँगे, ये मेन टीवी लाउंज की स्पेस है, कुछ इस्लामिक कैलीग्राफी यूज़ हुई है। ये सामने ओपन किचन की स्पेस है, खूबसूरत शैंडेलियर है बीच में, ये बैक में जी एलईडी पॉइंट्स हैं, ये इसकी सीलिंग है। अगेन लेफ्ट साइड पे मास्टर बेडरूम है, राइट साइड पे सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम में ऑलरेडी आपको ग्राउंड फ्लोर में दिखा चुका हूँ, ये जो बेडरूम था नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो है ये लॉक था, तो मैं आपको फर्स्ट फ्लोर में इसका व्यू दे देता हूँ। ये मुकम्मल एक मास्टर बेडरूम है, यहाँ पर मास्टर बेड ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया है। ये इसकी वार्डरोब की स्पेस है, सीलिंग का काम आप देख लें, मुकम्मल एक क्लॉक जो एक्स पैटर्न में जो इसको रेडी किया गया है, और उसके साथ साथ राइट साइड पे करके OTS कनेक्टेड विंडो है। उम्मीद करता हूँ ये जो मकान है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोग अभी रूफ टॉप की तरफ लेके चलूँगा और घर की जो डिमांड वगैरह उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, डिमांड की तरफ चलते हैं, साथ में रूफ टॉप भी देखेंगे। व्यूअर्स, जैसे कि आपने देखा कि लोकेशन घर की बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी आपने देख ली, डबल स्टोरी घर है, जबकि जो घर की डिमांड रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 1,55,00,000 है। 1,55,00,000 के प्राइस रेंज में ये खूबसूरत मकान आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं तरीकाकार क्या है कि वीडियो के नीचे नंबर्स दिए गए हैं, उन पर आपने रब्ता करना है, रब्ता करेंगे हम आपको इस प्रॉपर्टी का विज़िट भी करवा देंगे, और अगर आप लोग के पास कोई वैलिड ऑफ़र कन्वे करना चाहते हैं तो आप वो भी कन्वे कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि 1,55,00,000 जो है ये निगोशिएबल है, इसमें और भी जो निगोशिएशन है वो भी मालिक के साथ बैठ के हो सकती है। अच्छा जी, ये रूफ टॉप का मुकम्मल आप लोग एक दफ़ा व्यू ले लें, ये इसका मुकम्मल व्यू है। माशाल्लाह आज का मौसम भी देखें आप, सामने करीब एक मस्जिद भी है, कमर्शियल यूनिट्स हैं, हर चीज़ आपको इस घर के करीब मिलेगी, लाजमी इस घर को कंसिडर करें, वन ऑफ़ द बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका बजट है तो ये एक अच्छी ऐसी ऑप्शन है जो आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, वीडियो के एंड की तरफ चलेंगे, हर वीडियो में हम डिस्क्लेमर शेयर करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी आप बाय सेल करते हैं वो अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी पे किया करें, हम किसी किस्म के लिए सेल परचेज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। यहाँ को वीडियो को एंड करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, तब तक टिल देन अल्लाह हाफिज़।